नमस्कार साथियों, मैं तेजपाल सिंह रतिया से इस चैनल के माध्यम से आज मैं सभी भाई बहनों को बधाई देना चाहता हूं रक्षाबंधन के त्यौहार पर। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के एक पवित्र रिश्ते का महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस दिन रेशम के डोरे के साथ भाई की कलाई पर बहन राखी बांधती है और भाई भी बहन की रक्षा करने का वचन देता है और इस वचन को निभाता भी है। जैसे कि महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाय पर वचन न जाय। बहन को अपनी जान से भी अधिक अपने भाई की जान की चिंता होती है। भगवान ने ये त्यौहार ऐसा बनाया है कि हर भाई को इसे निभाना ही होता है। मैं सलाम करता हूँ उन वीरों को जो सरहद पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं और डाक के द्वारा भेजी हुई राखी को वो अपनी कलाई पर स्वयं बांधते हैं और मत्थे तिलक लगाते हैं। बहन को भी इस बात का पता होता है कि सेना में नियुक्त भाई को देश की रक्षा करनी है, इसलिए वो रक्षाबंधन के कारण अपनी बहन के पास नहीं मिल पाते और वो एक धागे रूपी प्यार से ही अपनी बहन के प्यार को सिर माथे लगाते हैं और इसके साथ साथ देश की रक्षा भी करते हैं। पूर्व काल में कई राजाओं ने भी धर्म की बहने राखी के द्वारा बनाकर उनकी समय समय पर रक्षा की। भाई और बहन के इस पवित्र रिश्ते के बहुत सी जगह पर गीत भी गाए जाते हैं और मैं सभी से अपील करता हूं कि ये रक्षाबंधन का त्यौहार बड़ी श्रद्धा के साथ भारत में और इसके साथ साथ पूरे विश्व में मनाया जाना चाहिए। बहुत सी जगह पर भाई और बहन के प्यार के गीत भी गाए जाते हैं। यह रिश्ता बहन की शादी से पहले ही नहीं बल्कि बाद में भी बरकरार रहता है। एक बहन को अपने भाई के आने का उसके ससुराल में भी हमेशा इंतजार रहता है। यह रिश्ता भाई और बहन के एक पवित्र वंदन का त्यौहार है। आओ हम सभी मिलकर प्रण करें कि इस पवन पवित्र त्यौहार पर किसी भी भाई की कलाई खाली ना रहे बल्कि ये हमेशा के लिए रेशम के डोरे के साथ सजी हुई होनी चाहिए। भाई और बहन का प्यार हमेशा अमर रहे, मैं इसकी भगवान से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।